हाँ भाई नमस्कार। कल की क्लास के बाद में आज अपन आगे का टॉपिक लेते हैं। कल मैंने आपको चार्ज एटम की जो संरचना है, करंट है, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। आज की क्लास में अपन आगे बढ़ाते हैं कल वाली क्लास को ही। तो आज अपन बात करते हैं, ये मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आप लोग इसे प्रतिरोध भी कहते हैं। अब देखो प्रतिरोध को दर्शाया किसी जाता है भाई, प्रतिरोध को आर से दर्शाया जाएगा। और यदि अपन बात करते हैं कि प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो देखो प्रतीक चिन्ह आप लोगों के सामने ये होगा, ये क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह है। अब ये जो प्रतीक चिन्ह है ये फिक्स रेजिस्टेंस है, जिसे अपन बोलेंगे भाई नियतमान प्रतिरोध। जो कार्बन फिल्म प्रतिरोध होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, ये नियतमान का प्रतिरोध है। इसी प्रतिरोध में यदि अपन वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये एरो लगा देते हैं, तो यही सिंबल आपका किसका हो जाता है भाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस का हो जाता है, अर्थात उसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है। सामान्य रेजिस्टेंस को अपन, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, तो दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस अपन इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये भी सिंबल किसका है भाई, आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही सिंबल है। और ये आपका सामान्य रेजिस्टेंस का प्रतीक चिन्ह था, और ये भी आपका सामान्य प्रतिरोध उसका प्रतीक चिन्ह होता है। तो कुल मिलाकर यदि यहां से आपका क्वेश्चन आता है तो ये भी चीज आपकी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो प्रतिरोध के बारे में आपको समझना है कि प्रतिरोध वास्तव में अपन कहते किसके किसे हैं। रेजिस्टेंस आप बोलोगे किसे हैं, रेजिस्टेंस होता क्या है, प्रतिरोध होता क्या है। ये जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध है, पदार्थ का गुण होता है, एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। और वो क्या करता है, जो पदार्थ होता है वो क्या करता है कि पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह का अवरोध करता है, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह का अवरोध करता है, अवरोध करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसे अपन क्या कहते हैं भाई, रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो ये तो इसका कार्य, रेजिस्टेंस का जो गुण है वो क्या है, विद्युत धारा रोकने का, ये क्या करता है, विरोध करता है, प्रवाह होने में विरोध करता है। अब जनरली आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई रेजिस्टेंस का कार्य क्या है, तो रेजिस्टेंस का कार्य पूछ ले जनरली अपन करंट और वोल्टेज के रेफरेंस में बताना चाहें, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रतिरोध क्या करता है, धारा को तो नियंत्रित करेगा, रेजिस्टेंस धारा को तो क्या करेगा भाई, आपका नियंत्रित करेगा। जबकि दूसरा कार्य अपन बोल सकते हैं कि यह विभव को क्या करेगा, विभव को बांटने का काम करता है, विभव को बांटने का कार्य करेगा, विभव को विभक्त करने का काम करेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है, ये किसी भी पदार्थ का गुण होता है, जो अलग अलग पदार्थ का आपका अलग अलग गुण पाया जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि विद्युत धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है पदार्थ के, उस गुण को अपन प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। और ये काम क्या करता है, किसी भी परिपथ के अंदर अपन ये एलिमेंट लगाते हैं तो विद्युत धारा को तो नियंत्रित करेगा और वोल्टेज को क्या करता है, ये बांटने का कार्य करता है। अब यदि मैं बताऊं आपको भी प्रतिरोध की आपकी इकाई क्या होगी, जनरली अपन बोलेंगे क्या भाई, ओम। और इसकी जो बड़ी इकाई होती है वो अपन किलोम भी ले लेते हैं, और किलोम से जो आपकी बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है, आपकी मेगा ओम भी होती है। किलोम से जो आपकी बड़ी इकाई होगी उसे अपन मेगा ओम भी ले लेते हैं। तो 10 की पावर 3 ओम बराबर क्या होता है भाई, आपका 1 किलो ओम होता है, और 10 की पावर 6 ओम बराबर क्या होता है भाई, आपका 1 मेगा ओम होता है। मेगा ओम प्रतिरोध की क्या होती है, आपकी सबसे बड़ी इकाई होती है। तो ये आपका प्रतिरोध है जो आपका धारा को नियंत्रित करेगा और विभव को बांटने का कार्य करेगा। अब जनरली अपन प्रतिरोध के जो नियम है उनकी जानकारी लेते हैं कि प्रतिरोध के आपके नियम क्या है। तो आगे आप लोग समझेंगे कि प्रतिरोध का आपका नियम क्या था, रेजिस्टेंस का नियम क्या था। प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध के नियम, तो देखो प्रतिरोध का आपका क्या नियम, सब लोगों को आपको जानकारी है कि किसी भी चालक तार की लंबाई में यदि वृद्धि कर दी जाती है तो उसी अनुपात में क्या होता है, प्रतिरोध में आपकी वृद्धि होती है। तो आप लोग कह सकते हैं कि यदि उस चालक तार की लंबाई बढ़ाई जाती है तो प्रतिरोध में भी क्या होती है, आपकी वृद्धि होती है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी चालक तार की लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होता है, अर्थात उसकी लंबाई में अपन परिवर्तन करेंगे तो उसके प्रतिरोध में भी क्या होगी भाई, आपकी वृद्धि हो जाएगी। दूसरा अपन जो नियम है वो क्या कह सकते हैं,
कि चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस होता है। अतः तर्पण यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध में क्या होती है आपकी, प्रतिरोध में क्या होगी भाई आपकी, कमी हो जाएगी। और इसको यदि आप कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो आपका आर है वो लंबाई के तो समानुपाती है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब इन दोनों में जो इसमें यदि 10% परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ भी क्या होगा आपका, 10% परिवर्तन होगा। आप ये नहीं कह सकते भाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब बराबर के लिए अपन क्या करते हैं भाई, एक नियतांक लगाते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं रो। और रो किसको व्यक्त करता है, ये प्रतिरोधकता को भी व्यक्त करता है और विशिष्ट प्रतिरोध को भी व्यक्त करता है, दोनों एक ही चीज है। तो मैं लिख सकता हूँ रो एल अपॉन ए। तो ये क्या हो गया भाई, आपका जो प्रतिरोध है किन किन चीजों पे निर्भर करता है, प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा और चालक तार की लंबाई पर भी निर्भर करेगा और आपके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी निर्भर करेगा। और दूसरी चीज आपकी क्या आती है भाई, तापमान आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रतिरोध है किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो किन चीजों पर निर्भर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप कह सकते हैं कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर भी निर्भर करेगा और उसका जो कटाक्ष क्षेत्रफल है, कटाक्ष क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस चीज पर भी निर्भर करेगा। और मैं कह सकता हूँ कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो तापमान पर भी निर्भर करेगा। और आपने चालक तार एल्यूमिनियम का लिया है या फिर कॉपर का लिया है या फिर आपने और किसी अन्य चालक धातु का लिया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पदार्थ की प्रकृति पर भी उस चालक तार का प्रतिरोध भाई आपका निर्भर करता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि चालक तार का जो प्रतिरोध हो लंबाई कटाक्ष क्षेत्रफल तापमान पदार्थ की प्रकृति के ऊपर क्या करता है भाई आपका, निर्भर करता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है कि रेजिस्टेंस जो लंबाई बढ़ाने पर भी बढ़ता है जबकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध के अंदर क्या हो जाएगी आपकी, कमी हो जाएगी। रो क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है जिसे अपन प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। तो आइए प्रतिरोधकता के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ, प्रतिरोधकता आप लोगों की क्या चीज होती है। तो देखो रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, आगे का जो वर्ड लेता हूं मैं आप लोगों के सामने, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता इसे ही अपन क्या कहते हैं भाई, विशिष्ट प्रतिरोध। इसे अपन लोग क्या कहते हैं भाई, विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इसे ही अपन क्या कहेंगे भाई, विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जाना जाएगा, प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसको अपन दर्शाते किससे भाई, रो से दर्शाते हैं। अब देखो वो प्रतिरोध था और ये क्या आपका प्रतिरोधकता था। इसमें देखो क्या चीज होती है, इसमें चालक तार है उसका पदार्थ भी आपका अपने को पता रहता है, वो भी नियत हो जाता है और उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों चीज क्या हो जाती है आपकी, फिक्स हो जाती है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इकाई लंबाई और इकाई वर्ग क्षेत्रफल वाले चालक तार में उपस्थित प्रतिरोध के मान को अपन क्या कहते हैं भाई, प्रतिरोधकता कहते हैं। मान लीजिए मैंने ये चालक तार है, इसकी लंबाई मान लीजिए आपकी 1 मीटर है और इसका जो एक जो एरिया है वो मान लीजिए आपका 1 mm² है और ये मान लीजिए आपका चालक तार है वो एल्यूमिनियम का है। अब इसमें मान लीजिए उपस्थित प्रतिरोध वो 10 ओम है, ये 10 ओम क्या कहलाएगा, पर मीटर इसका रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूँ प्रतिरोधकता है वो आपका चालक तार का नियत और उसका पदार्थ की प्रकृति डिपेंड होने के ऊपर बाद में क्या हो जाता है आपका, नियत हो जाता है। अब देखो यहाँ से आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोधकता है वो किस चीज पर निर्भर करती है। तो देखो प्रतिरोधकता सिर्फ और सिर्फ आपकी दो चीजों पर डिपेंड करेगी, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगी और दूसरा आपका डिपेंड करेगी भाई तापमान पर, जबकि प्रतिरोधकता लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगी और तापमान के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो मैं कह सकता हूं अब आपने अभी लिखा था R बराबर रो एल अपोन ए, तो यहां से आप रो के लिए क्या लिख सकते हैं भाई, R इंटू ए और अपोन में क्या आ जाएगा भाई आपका L आ जाएगा। तो रो प्रतिरोध किसमें मापते हैं अपन भाई, ओम में, और क्षेत्रफल किसमें मापेंगे भाई अपन, मीटर स्क्वायर में।
और लंबाई भी किसमें लेते हैं अपन, मीटर में। तो मीटर से आपका मीटर कैंसिल हो जाएगा और जो प्रतिरोधकता है उसकी इकाई अपन क्या लेंगे भाई, ओम मीटर। प्रतिरोधकता की जो इकाई हो किसमें लेंगे अपन, ओम मीटर। एमकेएस पद्धति में प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या लेंगे अपन, ओम मीटर। जबकि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्रतिरोधकता की सीजीएस पद्धति में मात्रक बताइए, तो सीजीएस पद्धति में आप लोग क्या बताएंगे भाई, ओम सेंटीमीटर। क्या बताओगे भाई आप, ओम सेंटीमीटर बताओगे। अब देखो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता से जुड़े हुए वन लीनियर पांच चार बातें मैं आप लोगों को और बताता हूं। अब यदि आप लोगों से पूछा जाएगा कि एक आदर्श चालक का प्रतिरोध बताइए, आपसे पूछ लिया जाए कि एक आदर्श चालक का प्रतिरोध बताइए, तो आदर्श चालक का प्रतिरोध क्या बताएंगे आप, आदर्श चालक का प्रतिरोध बताइए। तो आदर्श चालक का प्रतिरोध मेरे भाई आप लोगों को बताना है शून्य ओम। आदर्श चालक का प्रतिरोध कितना ओम होगा भाई आपका, शून्य ओम होगा। जबकि कई बार आप लोगों को देगा ये तो आदर्श चालक हो गया, दूसरा आपको पॉइंट बता देता है वो आदर्श चालक नहीं बोलता आपकी बात, सुचालक बोलेगा, सुपर कंडक्टर बोलेगा भाई, सुचालक, सुचालक का प्रतिरोध बताइए। सुचालक का प्रतिरोध कितना होगा, तो देखो सुचालक का प्रतिरोध होगा मेरे भाई आपका न्यूनतम, क्योंकि जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, न्यूनतम से न्यूनतम होगा। अब देखो दो चीजों में आप लोगों की तुलना करवा लेते हैं, जो आपका एल, जो आपका कॉपर है और आपका एल्यूमिनियम है, अपन कह सकते हैं एक मीटर और एक एमएम स्क्वायर है। ये मान लीजिए आपकी एक मीटर लेंथ और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक एमएम स्क्वायर है, और ये भी मान लीजिए एक मीटर लंबा और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो भी क्या आपका एक एमएम स्क्वायर है। ये दोनों रेजिस्टेंस है। यदि इसमें आपकी 10 एम्पीयर की करंट जाएगी समान वोल्टेज पर, तो इसमें लगभग कितने एम्पीयर की करंट बहेगी, 6 एम्पीयर की करंट बहेगी। तो अपन इसके लिए एक बोलते हैं कि तांबे के चालक तार की तुलना में एल्यूमिनियम की जो चालकता है वो 60% होती है। कितने परसेंट होती है भाई, 60% होती है। अर्थात कॉपर की चालकता ज्यादा होती है और एल्यूमिनियम की चालकता कम होती है। अपन कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम जो चालक तार है वो कॉपर की तुलना में आपका 60% ही कंडक्टिविटी रखता है, चालकता रखता है। अब देखो कुछ पदार्थ हैं, उनकी प्रतिरोधकता का मान है वो आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो देखो उस पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो भी आप लोगों को याद रखनी है। तो देखो पहले तो मैं आपको बताता हूं प्रतिरोधकता का बढ़ता हुआ क्रम, प्रतिरोधकता का बढ़ता हुआ क्रम, प्रतिरोधकता का बढ़ता हुआ क्रम, प्रतिरोधकता है उसका बढ़ता हुआ क्रम बताता हूं, बढ़ता हुआ क्रम। देखो जो कंडक्टर अपन यूज ले रहे हैं जनरली, एक तो मान लीजिए आपका भाई तांबा है और एक मान लीजिए आपकी बढ़ता हुआ क्रम, पहले मान लीजिए मैं चांदी लेता हूं, उसके बाद में तांबा, उसके बाद में भाई सोना, और उसके बाद में मैं लेता हूँ भाई एल्यूमिनियम, उसके बाद में मैं लेता हूँ भाई आपका एल्यूमिनियम। तो देखो क्या होगा, चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होगी, उसके बाद में तांबे की प्रतिरोधकता, उसके बाद में सोने की, और उसके बाद में भाई एल्यूमिनियम की। तो चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, उसके बाद में तांबे का प्रतिरोध, उसके बाद में सोने का, उसके बाद में एल्यूमिनियम का। अब ये प्रतिरोधकता का तो बढ़ता हुआ क्रम हो गया, लेकिन चालकता का ये घटता हुआ क्रम बोला जाएगा भाई। चालकता सबसे ज्यादा किसकी होगी, चांदी की, और सबसे कम किसकी होगी, एल्यूमिनियम की। चांदी की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी क्या होगी भाई आपकी, कम होगी। अब देखो इनकी जो प्रतिरोधकता वो भी आप लोगों को याद रखनी है, लगभग अपन ये 20 डिग्री टेम्परेचर पे मानते हैं, तो चांदी की जो प्रतिरोधकता होती है वो 8.6 × 10⁸ ओम मीटर। यदि आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेगी भाई चांदी की प्रतिरोधकता बताइए, तो आप लोग बताओगे 8.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। यदि सेंटीमीटर में आ जाए तो आपको बताएं मीटर को यदि सेंटीमीटर में अपन कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 100 से, तो 100 का मतलब भाई 10⁻² हो गया, आधा समान घाते जुड़ जाएगी, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 है। और यदि आपका 8.6 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर, तो आपका
एमकेएस पद्धति में ओम मीटर आएगा, लेकिन जबकि सीजीएस पद्धति में क्या बोलोगे आप, ओम सेंटीमीटर बोलोगे। तो ये प्रतिरोधकता तो किसकी होगी मेरे भाई, गांधी की होगी। अब यदि आप बात करते हो तांबे में, तो तांबे की प्रतिरोधकता आपको बतानी है 1.72 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर। यह आपकी चांदी की होगी या आपकी तांबे की प्रतिरोधकता होगी। उसके बाद में आपको सोने की याद करनी है, जनरली पूछ भी लेता है तो आप लोग ये डिजिट है वो याद रखेंगे। सोने में आपको बताना भाई 2.2 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर, यहाँ आप लोग बता देंगे ये है आपकी 2.2 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर। और एल्यूमिनियम की यदि आप प्रतिरोधकता बताएंगे तो वो 2.7 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर। देखो ये आपकी एल्यूमिनियम की है, सोने की है, तांबे की है और ये आपकी चांदी की है। प्रतिरोधकता है ये आपकी केवल दो चीजों पर निर्भर करेगी, पदार्थ की प्रकृति पर कर रही है और तापमान पर। अब देखो ये शुद्ध चालक है, इनके ऊपर यदि आप लोग टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस के मान में भी क्या होती है आपकी वृद्धि होती है। इसलिए जो शुद्ध चालक होता है इन्हें अपन क्या कहते हैं भाई, धनात्मक ताप गुणांक पदार्थ। इन्हें किसके नाम से जानते हैं अपन, धनात्मक ताप गुणांक पदार्थ के नाम से जानेंगे। ताप गुणांक पदार्थ के नाम से जाना जाएगा। जो शुद्ध चालक है इन्हें अपन क्या कहते हैं, धनात्मक ताप गुणांक पदार्थ, जिन्हें आप लोग बोल सकते हो पीटीसी, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट मतलब तापमान का मान बढ़ाया जाएगा तो इनके प्रतिरोध में क्या होगी भी आपकी वृद्धि होगी। अब यदि आप लोगों से कह दिया जाए कि ये तो प्रतिरोध हो गया, जैसे कार्बन फिल्म प्रतिरोध है, तो उनमें रेजिस्टेंस का मान टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा भी आपका बढ़ेगा। लेकिन जो शून्य ताप गुणांक पदार्थ होते हैं उनमें टेम्परेचर का मान बढ़ता है, वह अपने जो प्रतिरोध है उसके मान को कॉन्स्टेंट रखते हैं, इसलिए उन्हें अपन कहते हैं शून्य ताप गुणांक पदार्थ। और शून्य ताप गुणांक पदार्थों में कौन आता भी आपका, मैग्नीन आता है और आपका कौन आता भी, यूरेका, जिनसे अपन धारा नियंत्रक बनाते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाते हैं। यूरेका का दूसरा नाम क्या होता भी आपका, कॉन्स्टेंट होता है। यूरेका को अपन क्या कहते हैं भाई, कॉन्स्टेंट के नाम से जानते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं भाई, कॉन्स्टेंट के नाम से जाना जाता है। देखो यूरेका कॉन्स्टेंट तो एक ही चीज होगा। अब एक इन दो पदार्थों से मिलकर बनता है, तांबा प्लस निकल से मिलकर बनता है। 60% जो आपका तांबा होता है और 40% इसमें क्या होती है आपकी निकल है वो पाई जाती है। अब यदि मैग्नीन में पूछ लिया आपने तो मैग्नीन के अंदर क्या बताओगे भाई आप, 84% तो क्या पाया जाएगा इसमें, तांबा। तो 12% क्या होगा भाई इसमें, मैग्नीन। 12% होगा इसके अंदर मैग्नीन, मैग्नीज नहीं भी होगा इसके अंदर क्या होगा आपका, मैग्नीज। तो 4% क्या पाया जाएगा भाई आपका, निकल पाया जाएगा। अर्थात इन पदार्थों के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि जो शुद्ध चालक पदार्थ है इनमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरा होता है आपका ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ, जिन्हें अपन क्या कहते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अर्थात टेम्परेचर का मान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस में क्या होगी भाई आपकी, कमी होगी। तो जनरली आप लोग बता सकते हैं आपका अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो प्रतिरोध में क्या होती भाई, कमी होती है। तो एक जर्मेनियम होगा, सिलिकॉन होगा, और तीसरा भाई आपका जो कार्बन होता है, कार्बन के ऊपर भी आप टेम्परेचर का मान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध में क्या होगी आपकी, कमी होगी। तो आपकी प्रतिरोधकता थी, प्रतिरोधता, ये बातें आप लोगों को ध्यान देनी है। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखो करंट बताया मैंने आप लोगों को, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की जो बेसिक जानकारी है मैंने आप लोगों को दी। अब देखो बात करते हैं अपन विभव की, आगे अपन बात करते हैं भाई विभव की। विभव क्या होता है, विभव विभव के लिए आप क्या जानोगे, देखो विभव के लिए आप क्या कहोगे, आप छोटी मोटी कक्षाओं में भी पढ़ते आए हो कि विभव अपन किसे कहते हैं। आप विभव के लिए ये भी समझेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर विद्युत का उत्पादन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है विद्युत का उत्पादन है वो हो रहा है, विद्युत का उत्पादन हो रहा है। अब विद्युत का जो उत्पादन होता है वो भी अगर आपको लोगों को पूछ लिया जाता है
विद्युत का जो उत्पादन होता है, यहाँ मान लीजिए आपका एक अल्टरनेटर लगा हुआ होता है, अल्टरनेटर की सहायता से अपने 3.3 किलो वोल्टेज भी पैदा कर सकते हैं, 4.6 किलो वोल्टेज भी पैदा कर सकते हैं, 11 किलो वोल्टेज भी पैदा कर सकते हैं। और भारत में जो विद्युत का उत्पादन है अल्टरनेटर की सहायता से अधिकतम कितना पैदा करते हैं भैया? 33 किलो वोल्टेज करते हैं। और अधिक इसके बाद में अपन क्या लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, आवश्यकता अनुसार जितने वोल्टेज पर अपने को शक्ति को स्थानांतरित करना होता है, उत्पादित वोल्टेज भी उसमें से क्या कर लेते हैं, थोड़े बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए अपन ने क्या किया कि ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से, या आपकी कौन सी लाइन आपकी भाई, संचरण लाइन, जिसे अपन ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, पारेषण के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या हो जाता है, आगे अपन क्या किसको ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका विभव पैदा हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से लेकर संचरण लाइन के माध्यम से, यहाँ मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल पावर है वो लेकर आ रहा हूँ। तो अपन क्या कर रहे हैं, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, वहां से लेकर यहाँ तक ही मान लीजिए अपन को दूरी का पता नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि एकांत आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका विभव कहलाता है। तो विभव को अपन लोग किसे दर्शाते सकते हैं, वी से दर्शाते हैं। तो वी के लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं भाई, डब्ल्यू अपॉन टू, डब्ल्यू क्या है यानी कार्य, और टू क्या है यहाँ पर आवेश, डब्ल्यू तो क्या है आपका कार्य, और क्यों क्या आपका भाई आवेश, क्यों क्या आपका आवेश। कार्य का मात्र क्या होगा भाई आपका, आवेश का मात्र क्या होगा भाई आपका, कूलम होगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि विभव की इकाई बताइए, तो आप सीधी बता सकते हैं जूल प्रति कूलम। और इसी को अपन क्या कहते हैं भाई, वोल्ट कहते हैं। इसी चीज को अपन क्या बोलेंगे, आप वोल्ट बोलेंगे। विभव के लिए आप बोल सकते हैं कि एकांत आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, आपका विभव कहलाएगा। देखो विभव आपका बहता नहीं है, वो एक जगह से ही इलेक्ट्रॉन बनने के लिए क्या लगाता है, आपका फोर्स लगाता है। अपन कह सकते हैं वी बराबर क्या होगा आपका, डब्ल्यू क्यू क्यू, इसे कार्य बता क्या कहेंगे अपन, आवेश। कार्य की इकाई मेरे भाई क्या लगेगी अपन, जूल प्रति कूलम। और इसकी जो यूनिट है, इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, वोल्ट प्रति। तो देखो ये तो आपका विभव हो गया। दूसरी चीज आपकी वोल्टेज, अब देखो वोल्ट विभवांतर है, जिसे अपन पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे विभवांतर। अब विभवांतर में क्या होता है, किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित विभव का अंतर क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है। ये मान लीजिए फिर तो आपको समझना है, यहाँ मेरे पास मान लीजिए आपकी सप्लाई आ रही है, और यहाँ पर सप्लाई मेरे पास में 230 वोल्ट, और इस सप्लाई को मैं एक चालक तार के द्वारा मान लीजिए यहाँ लेकर जा रहा हूँ, और यहाँ मान लीजिए मैंने कोई उपकरण लगा रखा, यहाँ मैंने कोई उपकरण लगा रखा, और इस चालक तार का जो प्रतिरोध है वो मान लीजिए आपका घर में है, और ये जो आपका चालक तार है ये आपका 160 वाट का, 460 वाट का मान लीजिए आप, इसकी जो पावर है कितनी भी आपकी 460 की। तो आपको बताएं कि टी बराबर क्या होता है भैया आपका, जी आई। यहाँ से यदि अपन आई निकालेंगे तो टी बता दिए रहेगा भी नहीं, तो 460 में भी 230 का भाग देंगे तो करंट कितनी एम्पीयर आ गई भैया आपकी, 2 एम्पीयर आ गई। तो 230 वोल्टेज पर 460 उपकरण जो अपने लगा रखा है, तो यहाँ से जो आपकी करंट जा रही है कितनी एम्पीयर बह रही है आपकी, 2 एम्पीयर की करंट बह रही है। अब आपको बताना है ओम के नियम से जी बराबर क्या होता है भैया आपका, आईआर। आई का मान आप कितना रखेंगे भाई, 2, और रेजिस्टेंस कितना आपका 10। तो जो डिफरेंस है, जो वोल्टेज ड्रॉप है वी बराबर आई आर, विभव बताना है वो कितनी वोल्टेज का होगा भी आपका, 20 वोल्टेज का क्या होगा आपका, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ 230 है, लेकिन यहाँ उपकरण के सिरों पर कितनी वोल्टेज पहुंचेंगे आपके, 220। तो यहाँ 230 वोल्टेज है, और यहाँ कितने, 210 वोल्टेज। किसी चालक तार के सिरों पर आरोप आपको बताया कि जैसे जैसे यदि लोड का मान आप बढ़ाओगे तो यहाँ करंट ज्यादा निकलेगी, और चालक तार वोल्टेज का मान क्या करेगा, आपका ज्यादा ड्रॉप करेगा, ये क्या था आपका विभवांतर। दूसरा आप सोचते हो भाई आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे अपन क्या कहेंगे भाई, विद्युत भार के बल के नाम से जाना जाएगा। तो विद्युत
और